हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग निसान मैग्नाइट में जो हमने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन किया है उन सब के बारे में बात करने वाले। तो हम आपको वन बाई वन सारी चीजें दिखाएंगे कि हमने आफ्टर मार्केट निसान मैग्नाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है और आगे हम और क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें करवाने वाले। तो वीडियो को निसान मैग्नाइट में हमने शोरूम से क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया था उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी आपको दिखा चुके। तो आइए हम लोग चलते हैं कि हमने आफ्टर मार्केट क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया। तो बात करते हैं सबसे पहली एसेसरीज जो हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाई, वो है डोर वाइजर। ये डोर वाइजर हमको कंपनी से 2250 रुपए के मिल रहे थे, तो हमको जो काफी महंगे लग रहे थे तो हम लोगों ने आफ्टर मार्केट इनको लगवाना सही समझा। ये हम लोगों को आफ्टर मार्केट ओनली 700 रुपीज में लगे। आप देख सकते हो ब्लैक कलर की गाड़ी में इनको लगा देने के बाद एक्चुअली बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं और गाड़ी के कलर वगैरह में कोई भी किसी भी तरह का ये मेल खा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि अलग सा कुछ दिख रहा हो। ब्लैक कलर की यदि हमारी गाड़ी नहीं होती तो हो सकता है हम लोग डोर वाइजर नहीं लगवाते, लेकिन इस गाड़ी में डोर वाइजर लगाने के बाद गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा मॉडिफिकेशन जो हमने गाड़ी में करवाया है वो हम लोगों ने स्टीयरिंग को लेदर रैप करवाया है। निसान मैग्नाइट के XC, XL और XV किसी भी मॉडल में स्टीयरिंग पर लेदर रैप नहीं आता, केवल टॉप मॉडल पर आता है। तो हमने ब्लैक कलर का काफ़ी अच्छा कलर जो हम लोगों को सूट कर रहा था इंटीरियर के हिसाब से वो हम लोगों ने चूज किया। और इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, अभी अचानक से ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया है, इस वजह से जो आप देख रहे होगे नीचे की तरफ जो कट है वहाँ पर पे तो ये अंदर की तरफ पूरा डाल दिया है, लेकिन साइडों में जहाँ स्टीयरिंग के कंट्रोल है वहाँ से उसको अंदर करवाना भी बाकी है। तो वो भी हमारा जो है जिसने ये काम किया उसने बोला है इसको पूरा प्रॉपर अंदर फिटिंग करके देगा। तो काफ़ी अच्छा ये कवर इस पर लुक दे रहा है और ये हम लोगों ने आफ्टर मार्केट ही लगवाया और 700 रुपीज़ इसके लिए हम लोगों ने पे किए हैं। अगली एसेसरीज जो हम लोगों ने गाड़ी में इंस्टॉल की है वो प्रीमियम आर्मरेस्ट है। निसान मैग्नाइट के XC, XL और XV में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, तो हमने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया है जिसमें बोटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक अच्छा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा आप इसका ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा इसमें आपको USB पोर्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपको आगे जो USB सॉकेट दिया है जहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है वहाँ से आप USB से पावर दे देंगे तो आपके आगे पोर्ट भी काम करेंगे और पीछे के पोर्ट भी, इस USB पोर्ट में जो भी लगे तो पीछे वाले के लिए भी चार्जिंग की इसमें सुविधा आपको मिल जाती है। चार पोर्ट आपको पीछे मिल जाते हैं, छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूटिलिटी के लिए पीछे भी थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रीमियम आर्मरेस्ट को लगा लेने के बाद भी काफ़ी अच्छा इसका लुक हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा इनहांस कर देता है। तो इस आर्मरेस्ट को लगवाने में हम लोगों को 1599 रुपये हम लोगों को टोटल लगे है। इसका प्राइस 1599 रुपये और ये हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया हम लोगों ने asiatic.com से मंगवाया है। आप भी इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप किसी भी मैकेनिक के पास जाओगे तो वो इसको ईजिली इंस्टॉल कर देगा। हम लोगों ने तो इसको शोरूम पर ही इंस्टॉल करवा लिया था, शोरूम वाले ने जो हमारी एसेसरीज लगाई थी। तो उसके बाद मैं दोबारा शोरूम पे गया था तो शोरूम वाले में जो मैकेनिक था उसी ने मेरा इंस्टॉल कर दिया। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है। आप इसको यदि आपके पास छेद करने के लिए ड्रिल करने के लिए कोई ऑप्शन है तो आप इसको अपने से भी घर पर इजीली लगा सकते हो और लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा गाड़ी को लुक दे देता है। अगली एसेसरीज जो हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगवाई है हम लोगों ने बोले इसको हम लोगों ने भी इसको भी ऑनलाइन ही खरीदा है, वो है 5D ट्रंक मैट। और ये काफ़ी अच्छा मैट है और ये पूरा ट्रंक में एकदम फिट टू फिट हो जाता है और इसमें ये पूरा निसान मैग्नाइट के लिए कस्टमाइज मैट ही है। हम इसको ट्रंक में लगा के कैसा व्यू आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। और इसमें जो सेक्शन हुक्स वगैरह के लिए, लाइट्स वगैरह के लिए सेक्शन है वो प्रॉपर इस मैट में वो बने हुए, और इसको लगाने के बाद आपका ट्रंक का बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। हमने इसको गाड़ी में इंस्टॉल कर लिया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में लगने के बाद ये ट्रंक मैट आपको कैसा लुक देता है। ये 5D ट्रंक मैट भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही मंगाया और ये हम लोगों को 1699 रुपये इसकी MRP थी, जिस पर हम लोगों को 5% डिस्काउंट मिला है। हम लोगों का वेरिएंट XB है जिसमें 60-40 सीट स्प्लिट का ऑप्शन आता है। तो आप देख पा रहे हो कि पीछे की सीट की अभी हम लोगों ने पॉलीथीन हटाई नहीं है, तो उस सीट को हम लोगों ने लिटा के उसको इजीली इंस्टॉल कर लिया था। और ये पूरा ट्रंक के अंदर आता है जिसमें हुक वगैरह के लिए, लाइट वगैरह के लिए आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है। आप जिस मॉडल के लिए XC, XL, XB या XU प्रीमियम जिसके लिए आप ऑर्डर करोगे उसी के हिसाब से बन के आएगा और एकदम पूरा प्रॉपर फिट हो जाता है और गाड़ी में लगने के बाद एकदम ट्रंक को बहुत ही एक इनहांस लुक दे देता है। लाइट वगैरह के लिए आप देख सकते हो, लाइट के लिए इसमें प्रॉपर जगह बनी हुई है, हुक के लिए भी इसमें प्रॉपर जगह बनी हुई है और ये पूरी बाउंड्री वॉल के साथ आता है और काफ़ी अच्छा ट्रंक मैट लगने के बाद ये कार को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनहांस लुक दे दे रहा है।
इन 5D ट्रंक मैट के अलावा हम लोगों ने कार में 7D फ्लोर मैट का भी इंस्टॉलेशन किया है और उसका हम लोग डिटेल वीडियो आप लोग को ऑलरेडी बना चुके हैं और इस चैनल पर भी वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की लिंक में जाके उसको चेक कर सकते। हम लोग उसकी छोटी सी क्लिप यहाँ पे भी दिखा देते कि 7D फ्लोर मैट लगाने के बाद गाड़ी का लुक कैसा आ जाता है, गाड़ी आपको अंदर से कैसी दिखती है। तो 7D फ्लोर मैट्स का भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लिप आपको दिखा देते। ये हम लोगों ने फ्रंट और बैक दोनों सीटों पर ये निसान मैग्नाइट में 7D फ्लोर मैट इंस्टॉल किए और ये पूरे एकदम बढ़िया क्वालिटी के 7D फ्लोर मैट है और ये पूरे बाउंड्री बॉल के साथ आते और इनको इस साफ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप जो पार्ट है इसको बाहर निकालिए और इसको धो लीजिए और बाकी को कपड़े से गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, ये एकदम साफ हो जाएंगे। तो इनका मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है और इनको लगाने के बाद गाड़ी में एक बहुत ही बढ़िया लुक आ जा रहा है। पीछे की सीट से भी आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लुक आ जा रहा है। पीछे की सीट पे भी पूरा एकदम बाउंड्री वॉल दिया हुआ है और इनको लगने के बाद एक गाड़ी एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। अगली एसेसरीज जो हम लोगों ने इंस्टॉल की है वो है डैशबोर्ड की एसेसरीज। हमने डैशबोर्ड पर गणेश जी को विराजमान किया है और एक काफी अच्छी क्वालिटी की मूर्ति है जो बहुत ही स्ट्रांग है और डबल साइडेड टेप से हम लोगों ने इसको चिपकाया है और ये मात्र हमको 150 रुपीज में मिली है। और ये गणेश जी को विराजमान कर देने के बाद गाड़ी का लुक है जो बहुत ही इनहांस हो गया है और ये हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से खरीदी है और इसको लगाने के बाद गाड़ी बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली एसेसरीज की। ये है गो मैकेनिक के कुशन पिलो जो हम लोगों ने 1300 रुपए में 2 पीस खरीदे। आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो इनको यूज करना बहुत सुविधाजनक रहता है। और इससे अगली एसेसरी जो हम लोगों ने ऑनलाइन ही खरीदी है वो है ऑटोफिट के कुशन पिलो। ये आपके हेडरेस्ट के ऊपर लगते हैं और गर्दन को काफी अच्छा रेस्ट देते हैं। ये भी हम लोगों ने 1300 रुपए अमेजोन से ही खरीदे। इसके अलावा हम लोगों ने अमेजन ब्रांड सोलिमो के भी नेक रेस्ट खरीदा है जो 1 पीस खरीदा है जो हम लोगों को 390 रुपए का मिला है जो हम लोगों ने पीछे की सीट पर काम लेने के लिए लगाया है और काफी अच्छा है। इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी और कुशनिंग भी काफी अच्छी है। एसेसरीज ये गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। हम लोगों ने 3M की प्रीमियम लिक्विड वैक्स और 3M का डैशबोर्ड क्लीनर जो हम लोगों ने अमेजोन से मंगवाया है और ये पूरी किट हम लोगों को 549 रुपीज में पड़ी है। जब आप गाड़ी की सफाई करते हो तो ये एसेसरीज बहुत ज्यादा काम आती है। डैशबोर्ड क्लीनर से आप डैशबोर्ड पे काम ले सकते हो और बैक्स पॉलिश जब आप गाड़ी को साफ कर लेते हो तो पॉलिश करने के बाद गाड़ी में बहुत अच्छी चमक आती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इसको आप ले ले। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली एसेसरीज की तरफ। अगली एसेसरीज जो हम लोगों ने खरीदी है वो भी कार की वॉशिंग या मेंटेनेंस रिलेटेड है। ये सॉफ्ट स्पन कंपनी के प्रीमियम क्लॉथ से हम लोगों ने 2 क्वालिटी के मंगाए जो मेरे हाथ में हम लोगों को 2 पीस मिले 344 के और ये वाले आपको 4 पीस मिल जाएंगे 300 रुपीज में। तो जो आप देख रहे थे ये वाले थोड़ी क्वालिटी हल्की है लेकिन ये भी आपके काम में आएंगे। 4 का सेट हम लोगों को मिला और जो नीचे वाले फर्स्ट वाले हम लोगों ने बताया वो 2 का सेट मिला और वो 900 GSM के। उनसे गाड़ी को साफ करने में किसी भी तरह का स्क्रैच नहीं आता, गाड़ी बहुत अच्छे से साफ होती है। तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा आप अमेजन से सॉफ्ट स्पन के दोनों तरह के आप क्लीनिंग क्लोथ ही मंगवाए और गाड़ी को साफ करें तो इनको यूज लेंगे तो गाड़ी आपकी इजीली साफ हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने गाड़ी में इतना ही मॉडिफिकेशन करवाया और इतनी एसेसरीज ली पाए। उसके बाद अभी लॉकडाउन लग गया है, हम गाड़ी में सीट कवर भी इंस्टॉल करने वाले और जो हम लोगों का हेलोजन लैंप है उसको HID या LED से रिप्लेस करने वाले भी है तो उसका वीडियो भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले। इसके अलावा निसान मैग्नाइट की हिल पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है उसका वीडियो भी आपको लेकर आने वाले। यदि आपको अभी तक हमारे और मॉडिफिकेशन का वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और हमको कमेंट करके बताइए यदि आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे इसी तरह की अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।